दोस्तों, हाल ही में क्या आपने सपने में दादाजी को देखा है, या सपने में दादाजी के साथ खेल रहे थे, या आप दादाजी से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं? तो आज की आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दादाजी से जुड़े सभी सपनों के सही अर्थ को बताने वाले हैं। हमारे समाज में कहा जाता है कि खुशनसीब होते हैं जो लोग जिन्हें खेलने के लिए दादाजी की गोद मिली। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो बच्चे दादाजी की गोद में खेलते हैं, उस बच्चों के व्यवहार और संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। दादाजी के गोद में खेलने वाले बच्चे बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी होते हैं। पर यदि दादाजी सपने में दिखाई दे तो उस सपने का क्या अर्थ होता है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम दादाजी से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में दादाजी का दिखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में नई खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही यह सपना आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। तो दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब दादाजी से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने दादाजी को गले लगा रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। साथ ही यह सपना परिवार में बढ़ने वाले प्रेम के माहौल की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप दादाजी के साथ खेल रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। साथ ही यह सपना परिवार में बढ़ने वाले मान सम्मान की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में दादाजी को बीमार देखना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी बीमारी का शिकार होने वाले हैं। साथ ही यह सपना आर्थिक हानि की ओर भी संकेत करता है। साथ ही यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप कार्य क्षेत्र में किसी परेशानी से गुजरने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके दादाजी आपका लाड दुलार कर रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, जिस खुशी का आप 3-4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही यह सपना पुराने निवेश से होने वाले लाभ की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का खात्मा होने वाला है, और घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके दादाजी रो रहे हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी मंदी के दौर से गुजरने वाले हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक दुर्दशा होने वाली है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में दादाजी को ठहाके लगा के हंसते हुए देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही यह सपना आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सपना परीक्षा में मिलने वाली सफलता की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जाए।
सपने में आप देखते हैं कि आप दादाजी के साथ बात कर रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि वर्तमान समय में चल रही परेशानी कुछ ही समय में खत्म होने वाली है। साथ ही यह सपना मानसिक परेशानियों के दूर होने की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री राम जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप दादाजी से लड़ाई कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। साथ ही यह सपना कार्य क्षेत्र में होने वाली चोरी की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सके। सपने में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके दादाजी को शारीरिक कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। साथ ही यह सपना घर में होने वाली चोरी की ओर भी संकेत करता है। यदि आप व्यापारी हैं, तो यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके व्यापार में सामान खराब होने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं, तो यह सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी नौकरी खतरे में है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके मृत दादाजी आपका पीछा कर रहे हैं और मौका पाकर आपके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होने वाला है। साथ ही यह सपना किसी बड़ी दुर्घटना होने की ओर भी संकेत करता है। अगर आपको मृत दादाजी अपने सपने में घायल कर देते हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। साथ ही यह सपना परिवार में होने वाले अलगाव की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है, या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है, या आपको कोई विशेष सपना आया है, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार, जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज़ के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके।